मजलिस की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंदतर सलावात। दुनिया कहाँ बैठी है इसका मुझे इल्म नहीं। दुनिया कहाँ बैठी है इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम जहाँ बैठे हैं जन्नत में बैठे हैं। हम उस हस्ती के पड़ोस में बैठे हैं जो जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। नजफुल अशरफ की फिजाओं में इल्म का समंदर बह रहा है, और इसी समंदर का एक कतरा मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। किताब तारीख उलमा नजफ में हदीस मौजूद है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नहु काला जवार अमीर अल मोमिनीन यौमन खैर मिन इबादत सबअमिया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अमीर अल मोमिनीन के जवार में एक दिन गुजारे उसका एक दिन 700 साल की इबादत से अफजल है। आले मोहम्मद का अजीम और करीम खालिक मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद की इज्जत और अज़मत के सदके हमारे इस जलील कदर इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल अता फरमाए। अगर मेरी और आपकी तवील जिंदगियां खत्म हो जाएं, मगर फिर भी हम अली के ऐन से आशना भी नहीं हो सकते। सांस की डोरी टूट सकती है, मगर इनके फजाइल खत्म नहीं हो सकते। लिहाजा जिस नुक्ता है कमाल पर सबका इत्तेफाक हो उसे अली कहते हैं। ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जो किसी के जिक्र की मोहताज नहीं, क्योंकि इनके फजाइल और कमालात सब खुदा दाद हैं। कोई उनको समझे या ना समझे, कोई उनको याद करे या ना करे, इनके फजाइल और कमालात में कोई फर्क नहीं पड़ता। माशाल्लाह माशाल्लाह जियो बाबा जी बुलंद कर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये जो इनके फजाइल और कमालात और मौजजात के जिक्र और नशर और इशाद की इंसान को तशवीश दिलाई जा रही है, इसका फायदा सिर्फ मोमिनीन के लिए है, ताकि जिक्र अली और जिक्र औलाद अली की बरकत से इनके ईमान में इजाफा हो सके और कुर्ब आली मोहम्मद को हासिल कर सके। वाह 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 माशाल्लाह माशाल्लाह।
जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अली बैत के दुश्मनों पर नाने, देशवार, वादे बुलंद तर सलवार, अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहम्मद, माशाल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिकमत चाहता है, यानी इब्तदाए तखलीक और हकीकत अशिया के राजों को जानना चाहता है, वो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। यानी जो समझना चाहता है कि कायनात की इब्तदा कैसे हुई, आसमान कैसे खल्क हुए, जमीन कैसे खल्क हुई, फिजा कैसे खल्क हुए, खला कैसे खल्क हुई, हवा कैसे खल्क हुई, पहाड़ कैसे खल्क हुए, जंगल कैसे खल्क हुए, जहन्नम कैसे खल्क हुई, जन्नत कैसे खल्क हुई, मलाइका कैसे खल्क हुए, इंसान कैसे खल्क हुए, जिन्नात कैसे खल्क हुए, शयातीन कैसे खल्क हुए, इन सब की हकीकत और मारफत करना चाहता है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत कर। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तमाम बातें उस वक्त तक नामुमकिन है जब तक मेरे अहले बैत से मोहब्बत न की जाए। बस मेरे अहले बैत को अपने दिलों में जगह दो। जो शख्स मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा उसके दिल में एक नूर पैदा होगा, वो नूर उसको मरकज़े अनवार से मिला देगा और उस पर तमाम हकायक वाज़े हो जाएंगे। जो शख्स ये चाहता है कि उस पर कब्र का अज़ाब ना हो, यानी कब्र का फिशार भी ना हो और कब्र का अज़ाब भी ना हो, बगैर किसी मिजान के, बगैर किसी हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए, वो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करे। अली की मार्फत के लिए आलिम होना शर्त नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ मक्तबे आले मोहम्मद के उलूम हासिल करने वालों के सामने ये कहता हूँ, अली की मार्फत के लिए आलिम होना शर्त नहीं, अली की मार्फत के लिए माँ की शराफत होना जरूरी है। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, जाबिर इब्ने अब्दुल्ला कबीला अंसार का 70 साल जी शरफ, जी इज्जत, जी वकार बुरा आदमी, हर रोज सुबह की नमाज के बाद अंसार के घर जाता था, हर अंसार के घर का दरवाजा खटका कर कहता था, या माशरा अल अंसार अतिबु औलाद तुम बे हुब अली इब्न अबी तालिब। वाह 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 वाह, मोहम्मद अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अपने बच्चों का अली की मोहब्बत के जरिए इम्तिहान लो, अगर खुशी जाहिर करे तो समझ लेना ये हलाल ज़ादा है, अगर इनकार कर दे तो समझ लेना ये शरीफ माँ का बेटा नहीं। क्या कमाल है कि मुसलमानों ने मेरे अहले बैत को ऐसा अजर रिसालत दिया जो ना कभी भूलने वाला था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए तो लाइनों ने कयाम का रुख किया, खेमे जला दिए गए, बीबियों के सरों से चादरें छीन ली, 11वीं मुहर्रम का दिन उमर इब्ने साद बीबियों को लेकर रवाना हुआ, रिवायत में मौजूद है एक ऊंट सुर्ख रंग का था, वो हर ऊंट के कान में जाके कुछ न कुछ कहता था। इमाम सज्जाद से शख्स ने पूछा, ये माजरा क्या है? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये लाल रंग का ऊंट सबसे बूढ़ा है, इन सब ऊंटों में से बूढ़ा है, और ये हर ऊंट के कान में जाके कह रहा है, कुछ देर में हमारे ऊपर नबी जादियां सवार होंगी और ये लाइन हम पे ताजियाने चलाएंगे ताकि हम भागे। तुम लोगों ने जल्दी कदम नहीं उठाना, चाहे कितने भी जख्म हो जाएं। बस अज़दारानो, ये तो जानवर हैं, ये तो हैवान हैं, जिनके दिल में इतनी मोहब्बत आले रसूल है, लेकिन मुसलमानों ने नबी सादियों पर ताजियाने चलाए, नबी सादियों को ऊंटों पर बिठा के ऊंटों को भगाया, न जाने कितने रंजोगर से गुजरा होगा काफला, अपने दिल अजीजों के गम लेकर चले होंगे करबला से, किसी के सामने बाप का लाशा, किसी के सामने बेटे का लाशा,
किसी के सामने भाई कलाशा, किसी के सामने कड़ियल जवान कलाशा। उम्मे रुबाब की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने 6 माह के असगर का सर नेजे पे देखा होगा। उम्मे लैला की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने अपने 18 साल के कड़ियल जवान हम शक्ले पैगंबर को जंग के मैदान में लेटा हो पाया होगा। और अजादारों बीबी जैनब की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने इमाम हुसैन को आखिरी अलविदा किया होगा। अल्लाह अल्लाह कौम जालिम।